उस स्टोरी से आपको सारी बात की समझ आएगी कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव रहना चाहिए। ये बड़ी अहम स्टोरी है। मैंने कुछ दिन पहले एक किताब का मुताला किया, मुझे वहां से पता चला कि इंसान का ये जो हिस्सा है कैसे करप्ट होता है और क्या इसके करप्ट हो जाने से हमारी बॉडी करप्ट हो जाती है। जी बिल्कुल करप्ट हो जाती है, क्योंकि इंसान बना हुआ दो तरह से है। हमारा माइंड जिस्म को चलाता है और जिस्म माइंड को चलाता है। ये दोनों सिस्टम जब तक एक नहीं काम करेगा, हम कभी भी तंदुरुस्त सेहतमंद नहीं रह सकते, चाहे हमारी सेहत जो है जिस्म की हो या हमारी सेहत रूह की हो। ये दोनों सेहतों का होना बहुत जरूरी है। बाज़ लोग मैंने देखा है कि उनके जिस्म तो बहुत मजबूत होते हैं लेकिन रूह उनकी कमजोर होती है। और बहुत से लोग मैंने देखे अपनी जिंदगी में जिनकी रूह तो बड़ी मजबूत होती है, जिस्म बड़ा कमजोर होता है। तो मेरे नजदीक ये है कि हमें ये दोनों चीजों को लेके चलना चाहिए। और इसके लिए अगर आपने अगर आपको तौफीक हो तो योगा जरूर सीखे लाइफ के अंदर। कि योगा एक ऐसी चीज है जो आपके जिस्म को और आपकी रूह को दोनों के अंदर एक खास बैलेंस कायम करता है और आपको तंदुरुस्त रखता है। मैं आपके सामने एक स्टोरी रखता हूँ, आज बहुत जबरदस्त स्टोरी है। एक शख्स का, उसका नाम था पीटर हैनबर्ग। क्या नाम था? पीटर हैनबर्ग। वो अमेरिका का एक अमीर तरीन शख्स रहा है ऐसा दराज तक। देखिए ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका के शहरों में यानी न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंदर बग्घियां चलती थी, टांगे चलते थे। ये उस दौर की बात है। उस दौर के अंदर घोड़े जो थे बग्घियों के अंदर जिनसे काम ज्यादा लिया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा थी, और वो मर जाते थे घोड़े। अब घोड़े जो है वो जो उसके जो मालिक होते थे वहीं पे घोड़े को खोल देते थे और वहीं गलता सड़ता रहता था घोड़ा, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये शख्स यूरोप से गया हुआ था, इसने सोचा कि ये जो काम है ये तो बहुत बड़ा काम है। तो उसने हुकूमत से इजाजत ली और एक हथरेड़ी बनाई जिसके अंदर वो घोड़े को डालता था और जाके किसी समंदर में फेंकने की कोशिश करता था या गड़ा खोद के उसको दफन करता था। एक दिन वो अब उस घोड़े को लेके, वो घोड़े की मैयत को लेके कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक शख्स मिला। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं इसको जा करके मिट्टी में दफना दूंगा या समुद्र में फेंक दूंगा। उसने नहीं 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 ऐसे नहीं करना, आपने हम आपसे ये खरीद लिया करेंगे। उसने कहा आप क्या करोगे? उसने कहा हम इसकी जो खाल है उसको रैदा से बेचेंगे और इसकी जो आलाइशे हैं इससे सुरेश बनती है और इसकी जो हड्डियां हैं ये कैल्शियम है, ये इस्तेमाल होता है। तो वो घोड़े जो थे वो उनको बेचने लग पड़ा। करते 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 वो बहुत अमीर आदमी बन गया। जब अमीर आदमी बन गया तो उसको शौक था घोड़ों का, तो उसने अपना एक स्टड फॉर्म बनाया और उसके अंदर उसने 180 घोड़े रखे, क्योंकि घोड़ों घोड़े उसको अच्छे लगते थे, घोड़ों से उसको मोहब्बत थी। तो 180 घोड़े वो बाद में उसके घोड़े जो थे वो डर्बी में इस्तेमाल होते थे, लोग ले जाते थे रेस के लिए घोड़े। लेकिन उस कभी भी उसका घोड़ा जीता नहीं था, फर्स्ट नहीं आया था। ये बड़ी उसको परेशानी लाती। तो उसने कुछ एनिमल साइकोलॉजिस्ट बुलाए और उन्होंने कहा कि हमें ये बताओ कि मेरे घोड़े जो हैं ये फर्स्ट क्यों नहीं आते? वो सारे सर जोड़ के बैठ गए और सोचने लग पड़े। सोचने के बाद उन्होंने नतीजा निकाला। उन्होंने कहा कि आपने आज के बाद, क्योंकि तो उन्होंने एक सब स्टोरी सुनी थी, उन्होंने कहा कि आज के बाद आपने कभी भी स्टड फॉर्म के अंदर नहीं आना, आपके घोड़ों से आज से मुलाकात खत्म। बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा क्यों? उसने कहा बस हमने आपको बता दिया। तो कुछ अरसे के बाद जब वो घोड़े उनके वो डर्बी में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने लगे, उसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि बेसिकली जब आप स्टड फॉर्म में जाते हैं और घोड़ों को देखते हैं तो आप इनको मुर्दा तसव्वुर करते हैं, आप इनको मुर्दा तसव्वुर करते हैं और आप इनको सोचते हैं कि इनकी खाल कितने की बिकेगी, इतनी की हड्डियां कैसे होंगी, और वो आप उनको जिंदा नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो घोड़े हैं ये खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि आपकी थॉट इनको खौफजदा कर देती है। तो उसके बाद उसने वहां पे जाना छोड़ा और ये बात को सीखा। अब इससे नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हम जब अपने घर में होते हैं तो अपने बच्चों को खौफजदा किए रखते हैं, क्योंकि बच्चे आपसे एनर्जी लेना चाह रहे होते हैं,
आपके घर वाले आपसे एनर्जी लेना चाह रहे होते हैं क्योंकि आपके पास एनर्जी होती नहीं, आप नेगेटिव बात करते हैं तो सारी की सारी वो नेगेटिव बात जो है वो आपके बच्चे ले लेते हैं। इसी तरह से आप, मैं एक मिसाल अभी दे रहा था थोड़ी देर पहले कि एक बच्चा मेरे पास आया, वो बहुत नेगेटिव है, मेरे पास जब आता है तो 99% नेगेटिव बातें करता है। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ कि इसके वालिद से मुलाकात करता हूँ। मैं जाकर उसके वालिद से मुलाकात की, पता चला कि उसका वालिद ने 9 साल तक जेल काटी हुई थी और उसकी वजह से जब उसकी परवरिश बच्चे की तो सारी परवरिश नेगेटिव हो गई। अब बच्चा जो है वो 99% जो है वो सोचते रहता है नेगेटिव। और अब मैं आस्ता आस्ता कोशिश कर रहा हूँ, उसको 2-3-4 सेशन उसके साथ किए हैं और मैं उसको उस सिचुएशन से बाहर लेके आ रहा हूँ। तो इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप यहाँ से नेगेटिव होने लगे तो आपने कोशिश करके उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। उसका आसान तरीका है, मसल देखें, इसको कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। कभी ये भी सोचो कि क्या सोच रहे हो, और जब आप ये सोचेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूं तो फट से आप फिर कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इल अलीयुल अजीम, कोई और कुव्वत नहीं है मां सिवाय अल्लाह के। तो आपने कह के आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया।